एहतियात नहीं ना करोगे तो हमारा अपने नुकसान होगा। फर्ज करो आप लोग यार छोड़ो की है, कुछ भी नहीं है, एम ही मार देने, कोई कोरोना शरोना नहीं है। जो जिन्हें होता है ना गुजर, उन्हें ही पता चलता है यार है लंघ रहा साढ़े ते है बीत रही है सर। अजकल की ना है वैक्सीन आ गई है तो की होने तैयार करिए, छोड़ो पर वैक्सीन यार फर्ज करो वैक्सीन। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो यार कुछ लोग मुझे, कुछ दोस्त मुझे कह रहे थे कि हाँ ये छोड़ दिता ही वीडियो बनाना, बस इन्नी शौक दिया यूट्यूब पे आवन का। मैं नहीं यार थोड़ा सा ना बिजी था, एडमिशन लेना था कॉलेज में, और जब आपको पता है एडमिशन ले लो तो फिर वो लेक्चर वगैरह लेने तो बहुत सारे मसाइल होते हैं, असाइनमेंट वगैरह बनानी, तो इस वजह से मैं नहीं बना सकता। आज भी मैं मतलब घर में बैठा हूँ, घर में वीडियो बना रहा हूँ, बाहर तो जा नहीं सकता, इतना टाइम नहीं है। तो आज मैं एक पब्लिक सर्विस मैसेज लेके आया हूँ कोरोना वायरस के लिहाज से यार कि अगर एहतियात नहीं ना करोगे तो हमारा अपने नुकसान होगा। फर्ज करो आप लोग कहते हैं यार लॉकडाउन लगा दिता है, हुकूमत ने लॉकडाउन ला दिता है, तो कि मतलब कि मसला है हूँ यार। अगर आप लोग एहतियात नहीं ना करोगे तो उन्हें मजबूरन फिर लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, ठीक है, मजबूरन फिर वो मजबूर हो जाती है हुकूमत, हमारी खुद अपनी नालायकी की वजह से मजबूर होती है हुकूमत। अगर आप फ़र्ज़ करें आपको यार को थोड़ी सी बहुत उसके असरात कोरोना के नज़र आ रहे हैं, यार मुझे ये हो गया, थोड़ा सा फ्लू हो गया, इस तरह मतलब आपको शक हो रहा है कि यार मुझे लगता है कि मुझे कोरोना हो गया, तो आप टेस्ट करवा लें और 15 दिन आप घर से बाहर ना निकलें, किसी से मेल जोल ना करें, तो कुछ नहीं होगा। अगर आप बाहर निकलते भी हैं SOPs पर अमल करें, हाथ मिलाने से गुरेज़ करें, गले मिलने से गुरेज़ करें, तो आप इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, दोबारा फिर वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले थी दुनिया। और कुछ लोग कहते हैं यार आजकल की ना है वैक्सीन आ गई है तो की होने तैयार करिए, छोड़ो पर वैक्सीन यार फ़र्ज़ करो वैक्सीन आ भी गई है, वैक्सीन आ गई है तो आप लोगों को क्या है कि वो वैक्सीन जैसे ही आएगी तो आपको अगर अल्लाह ना करे कोरोना हो गया, तो अगर वैक्सीन आ भी गई है तो वो पहले आपको टीका लगाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं होगा। अगर वैक्सीन आ भी गई है तो यार अगर जब आपको हो गया ना अल्लाह ना करे तो आपके इतने वसाइल ही नहीं होंगे कि आप उसे अफोर्ड कर सकें, इतनी महंगी वैक्सीन होगी, तो इस वजह से एहतियात करेंगे अगर आप लोग तो क्या कहते हैं कुछ नहीं होगा, सो आपके पैसे बच जाएंगे, तो इस वजह से एहतियात करें। पिछले दिनों में एक फॉरेन कंट्री में केस आया था कोरोना का, तो क्या कहते हैं यार रोने वाले हो गए थे यार, कहते हैं यार कसम अल्लाह कि हमारे लोग एहतियात नहीं करते, हमारे लोग एहतियात नहीं करते हैं यार छड्डो की है, कुछ भी नहीं है, एम ही मार देने, कोई कोरोना शरोना नहीं है। जो जिन्हें होता है ना गुजर, उन्हें ही पता चलता है यार है लंघ रहा साढ़े ते है बीत रही है साढ़े ते। वो कहते हैं ना कि एक कप पड़ा है ना, अगर फर्ज करें एक कप पड़ा हुआ है तो ये भाई आज नया आया ना, तो इसे कहना यार ये कप नु हाथ नहीं लाना, अगर उसे पता नहीं है ना कि अगर यार ये कप है पड़ा हुआ तो इसे हाथ नहीं लगाना, तो वो अगर आपने ऐसे कह दिया ना उसे यार इन हाथ नहीं, वो जान बुझ के हाथ लाएगा यार, वेखा से ये है कि ये मैं हाथ ला के तो वेखा। इस वजह से तो कुछ लोग हैं जिन्हें कहे ना यार कोरोना है, वो कहते हैं नहीं है कुछ नहीं है, एम ही मार देने, जब वो हो जाता है ना फिर वो पछताते हैं, कहते हैं यार नहीं यार वाकई वो ठीक कह रहे सी, नहीं सी करना चाहिए। इस वजह से जब बाहर निकलें तो SOPs पर अमल करें और हाथ मिलाने से गुरेज करें। ये देखें मैंने खुद मास्क पहना हुआ है, आजकल वैसे भी सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है पंजाब में, तो नॉर्मल फ्लू हो जाता है, ज़रूरी है मतलब कि क्या कहते हैं आपको फ्लू इसी वजह से कोरोना की वजह से हो नॉर्मल। इन दिनों में वैसे भी मतलब अगर देखा जाए ना तो पहले भी इन दिनों में सर्दी की वजह से फ्लू हो जाता है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो आप इंशाल्लाह SOPs पर अमल करें, कुछ नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।